तो लोकसभामां विपक्ष द्वारा अविश्वासनो प्रस्ताव छे ते रजू करवामां आव्यो छे। संसदमां विपक्षे रजू कर्यो छे अविश्वासनो प्रस्ताव, तो स्पीकरे अविश्वासना प्रस्ताव ने मंजूरी आपी दीधी छे। स्पीकरे अविश्वासना प्रस्ताव ने मंजूरी आपी छे। चर्चा करवानी तारीख बादमां नक्की करवामां आवशे तेवुं पण स्पीकरे जणाव्युं छे। तो अविश्वासनो प्रस्ताव छे ते रजू करवामां आव्यो छे, चर्चानो समय नक्की थशे। तो वधु विगत मेळवीशुं संवाददाता अजय यादव फोन लाइन पर जोड़ाया छे। जी अजय जी, अविश्वास का प्रस्ताव है वो रख दिया है और आगे क्या क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, गौरव गोगोई की तरफ से इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था और जिसको इस तरह से लोकसभा स्पीकर की तरफ से मंजूर किया गया है, जबकि ये सभी को पता है कि अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरह से फेल होगा क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है उसके पास 142 सदस्य है, जबकि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के पास 300 से ज्यादा, खुद अकेले 301 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो निश्चित तौर पर गिर जाएगा। लेकिन अपोजिशन की मंशा इस बात पे है कि जब ये अविश्वास प्रस्ताव आया है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। हालांकि जो कोई भी अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता है कि प्रधानमंत्री किसी खास विषय पे ही बोलने के लिए मजबूर हों, बल्कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने प्रधानमंत्री बहुत सारी बातों को रख सकते हैं। तो एक तरह से ये अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हो गया है, लेकिन इसकी तारीख कब होगी, कब इस पे चर्चा होगी, इसके बारे में अभी बताया नहीं गया। लेकिन लोकसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि जल्दी ही कोई मुफीद समय होगा उसको हम तय करेंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसी बहाने प्रधानमंत्री को बोलने के लिए कहीं ना कहीं अपोजिशन ने मजबूर किया है। जी बिल्कुल, से शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।